मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सतीश महावर। आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज फोर बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देता हूँ। उसमें हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ट्रू फॉल्स सॉल्व किए थे। आपकी बुक स्टार्टअप मैथमेटिक्स जो आपको स्कूल से अवेलेबल हो जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले स्कूल में आइए। चारों ब्रांचों में से कहीं भी आप जा सकते हैं और जाकर सिक्स क्लास का बुक सेट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बिना बुक के आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बुक का होना नेसेसरी है आपके पास, और बुक होगी तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का हमने 5 ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लिए थे। अब आगे के डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। आपके पास अगर बुक है तो बुक में से देखना ज्यादा प्रिफर करो, यहाँ तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन समझना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बार बार देखोगे तो आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत लिटिल बच्चे होते हो। तो बुक सामने रखो, लेक्चर को स्टार्ट करो, सॉल्यूशन सुनते जाओ और बुक में क्वेश्चन देखते जाओ। ठीक है बच्चों, पहला है द लेंथ ऑफ ए लाइन इज मेजरेबल। एक लाइन है आपकी, यहां देखिए ये लाइन है आपकी, ये लाइन, तो क्या इसे मेजर कर सकते हो? क्या इस एरो का मतलब है ये आगे तक जा रही है, पता ही नहीं कहां तक जाएगी, तो स्केल से हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगी? नॉट मेजरेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आ गई बात समझ में? सेकंड है द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट इज ए फाइनाइट। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि आपका घर यहां पर है, आपके दोस्त का घर यहां पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। कितने मीटर? 5 मीटर। अब आपके दूसरे दोस्त का घर यहां, फिर घर यहां, बहुत से घर हैं, बहुत से, तो फिक्स्ड घर हो गए। 5 मीटर की डिस्टेंस पे कितने घर रख लोगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम 100, 1000, 2000, 5000। आपके आसपास में जो गली मोहल्ले होते हैं, एक गली में एक लाइन में कितने घर बन जाएंगे? 10, 15, 50, उससे ज्यादा बना पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि उसकी लेंथ ही नहीं है इतनी, इतनी बड़ी गली नहीं है हमारी, छोटी सी गली है, 10 घर बने हुए हैं सर। तो ऐसे ही ये लाइन सेगमेंट है 5 मीटर का, तो 5 मीटर में मैक्सिमम 50, 100, 1000 घर बना सकते हो, इनफाइनाइट फाइनाइट थोड़ी बना सकते हो। तो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट। क्या एक लाइन सेगमेंट पर फाइनाइट नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या हो जाएगा? फॉल्स। आ गई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट है आपका, ध्यान से देखो, थर्ड। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल इंक्लूड इट्स वर्टेक्स। एक ट्राइंगल के इनसाइड में, ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल के इनसाइड में क्या वर्टेक्स होते हैं क्या? नहीं, ट्राइंगल के इनसाइड में तो एंगल्स होते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फोर्थ देखिए, एक ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर रीजन का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका ब्लैक बोर्ड है और इसके ऊपर मैंने बना दिया ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगुलर रीजन हो गया। जिस प्लेन पर, जिस ब्लैक बोर्ड पर आपने ट्राइंगल बनाया, वो ट्राइंगुलर रीजन कहलाएगा। अब क्या है? ए ट्राइंगुलर रीजन इंक्लूड इट वर्टेक्स। तो क्या ट्राइंगल रीजन इंक्लूड करता है वर्टेक्स को? बिल्कुल, 1, 2, 3, कितने वर्टेक्स इंक्लूड कर रहा है? 3। तो मतलब ये ट्रू है, ये सच कह रहा है कि हाँ, ट्राइंगुलर रीजन वर्टेक्स को इंक्लूड करता है। आ गई बात समझ में बच्चों? तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन आपको सुनने हैं, देखने हैं, समझने हैं, लिखने के लिए फॉलो करो बुक को। बुक से लिखो, बुक से देखकर लिखोगे तो आपके आईज पर इफेक्ट नहीं होगा, समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
टेक एनी 5 पॉइंट, हाउ मच पॉइंट, 5 पॉइंट, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, इन सच ए वे दैट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से लेने हैं कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ज्वाइन देम इन पेयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग, उनको ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद आंसर दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बुक ओपन कर लीजिए, मैं बुक से रीड करता हूं। पहला है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एट ए टाइम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन में बोल रहा हूं वो क्या है आपका, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एट ए टाइम। ये 5 पॉइंट हो गए। अब ज्वाइन करो, ए को बी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, ए को डी से मिलाया, ए को ई से मिलाया, सबको ज्वाइन कर दिया 4। फिर बी को सी से मिलाओ, बी को डी से मिलाओ, बी को ई से मिलाओ, ये हो गए 3। फिर सी को डी से मिलाओ, सी को ई से मिलाओ, ये हो गए 2। तो टोटल कितनी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। आ गई बात समझ में। दूसरा, हाउ मेनी ऑफ दीज लाइन्स पास थ्रू ए, ए से पास होने वाली लाइन। तो आपके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि इन 10 में से उनको ले लो जिनमें ए आ रहा हो। क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो। ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी, काउंट करो 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 4। आ गई बात समझ में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज लाइन्स पास थ्रू डी, डी से पास होने वाली लाइन्स। जैसे ए से पास होने वाली लाइन्स थी, वैसे किससे पास होने वाली होंगी, डी से पास होने वाली लाइन्स। अब डी से पास होने वाली लाइन्स काउंट करते हैं, 1D, 2nd, 3rd और 4th। तो काउंट करो 1 2 3 4। डी से पास होने वाली कितनी लाइन्स हो गई, 4 लाइन्स हो गई सर। कितनी हो गई, 4। तो आंसर कितना आ गया, 4। आ गई बात समझ बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम ऑल द लाइन्स, इनको मिलाने पर जितनी लाइन्स बनेंगी उनका नाम लिखो। तो हमने पहले ही लिख लिया, ए को बी से मिलाया ए बी, ए को सी से मिलाया ए सी, ए को डी से मिलाया ए डी, ए को ई से मिलाया ए सॉरी फिर बी को सी से मिलाया बी सी, बी को डी से मिलाया बी डी और बी को ई से मिलाया बी ई, ऐसे सी को डी से मिलाया सी डी और सी को ई से मिलाया सी। ऐसे करके कितनी लाइन्स बन गई, 10 लाइन्स बन गई। आ गई बात समझ में। तो आपको डेली के 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको 2-2 क्वेश्चन समझाता जाऊंगा। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, हमारे पास बहुत टाइम है, बस चीजों को आराम 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 से पढ़ना है, कहीं कोई जल्दी नहीं है। फिर कह रहा हूँ, स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक परचेज कर लो, बिना क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे करोगे मेरे बच्चों, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो बुक्स होना नेसेसरी है आपके पास, बुक परचेज करेंगे तभी तो आप सॉल्यूशन कर पाओगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले अब तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाय कॉल बाय मैसेज या कैसे भी। और ये जो लिखना है आपको आराम से देख लो, जो भी समझना है लिखना है, यहाँ से लिख लेना, आपको आराम से विजिबल है, मैं साइड में खड़ा हूँ। ठीक है, जब भी कुछ लिखना हो तो वीडियो को यहाँ पॉज कर देना और ये पूरा लिख लेना। ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।